उमर पठान साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी उमर भाई बोलो, आवाज आ रही है आपको अभी साफ साफ? हाँ, आ रही है। क्या ओके उमर भाई, अभी तक मोमिन है या इस्लाम छोड़ दिया आपने? मैंने मुसलमान हूँ। मुसलमान है, नमाजे पढ़ते हैं? बिल्कुल। ओके अत्तहियात सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या आलिम विलिम है, हाफिज है या तालिब मैं इल्म है या आम मुसलमान है? मुसलमान। आम मुसलमान है, ठीक है। तो ये आज के मसले पे बात करेंगे आप, कौन सा मसला है? क्या इस्लाम में अगर आपने किसी बच्ची को गोद लिया, मिसाल के तौर पे आपने 3 साल की बच्ची को गोद लिया, ठीक है, यानी मैं चलो एक मिसाल देता हूँ आपके लिए, आपने शादी की, आपको बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप गए और आपने एक बच्ची को गोद लिया जो कि 3 साल की है, ठीक है, आपने उसका पालन पोषण किया, अब वो बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है या बालिग हो गई है, क्या आप यानी उमर पठान साहब उस बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस्लाम में इसकी इजाजत है कि नहीं है? पहले तो मैं ये क्लियर करूंगा कि ये बात कब की है। कौन सी वाली बात कब की है? इस्लाम के भी कानून कब के और अब के होते हैं क्या? नहीं नहीं वो नहीं बात कर रहा मैं। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुमने मेरे को सवाल करे कि गोदी बच्चे से निकाह कर सकते हैं क्या, हाँ ये सवाल है ना? जी जी यही सवाल है। मैंने एक पूरा मिसाल बनाई है, एक सिचुएशन दी है आपको, और अच्छा, उसी पे आपसे मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, इस्लाम की नजर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप उस बच्ची से शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, तो ये बात जो तुमने मेरे को बोले ये बात है कब की? मैं अभी मिसाल आपकी दे रहा हूँ और इस्लाम के पसे मंजर पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आज की तारीख में, मैं फिर से बोलता हूँ, आज की तारीख में क्या आप? हाँ मैं तुम्हारी बात समझा, समझ गए, ओके। लेकिन मेरा सवाल, मेरा सवाल ये है कि जो तुमने सवाल करे, हाँ ये सवाल अभी का है कि पहले का है, ये बोलो मुझे। नहीं अभी 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 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो तुम्हारा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा एग्जांपल नहीं होना मेरे को, मैं क्या बोल तुम्हारे को, ये बात किसके ताल्लुक से है? एक इंसान वो अगर एक बच्ची को गोद लेता है, मैं बात समझ में, सवाल समझ में आ गया मेरे, तो इसका जवाब क्या है इस्लाम की नजर में वो बताए ना आप, आपका तबका क्या कर रहे हैं आप? सुनो ना, तो मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात सवाल जो तुमने करे कि भाई गोदी बच्चे से निकाह कर सकते क्या, हाँ तो कर सकते नहीं तो, कर सकते तो सुनो ना, तो ये बात कब की है? अरे कभी की भी ले लीजिए आप, 1400 साल पहले की ले लीजिए, अभी की ले लीजिए। अगर 1400 साल पहले अलाउड था तो हाँ बोले, और नहीं अलाउड था तो नहीं बोले, आज की तारीख में अलाउड है तो हाँ बोले, नहीं अलाउड है तो बोले कि अलाउड नहीं है, हराम है, वही पूछ रहा हूँ, आप दोनों जवाब दे दे, अगर अलग अलग जवाब है तो। अगर 1400 साल की बात करें, हाँ तो ये बात नबुवत की पहली की या नबुवत की बात की है, आप दोनों बता दीजिए कि नबुवत से पहले क्या मामला था, नबुवत के बाद क्या मामला है, आज का क्या मामला है, सब बता दीजिए। अगर जवाब अलग अलग है, सुनिए मेरी बात, जवाब अगर अलग अलग है तो आप तीनों जवाब दे दीजिए, जवाब अगर सेम है तो वो भी बता दीजिए। एक छोटा सा सिंपल सा सवाल कि आप इतनी जलेबी बना रहे उमर साहब, हमको तो लगा था आज आप इस्लाम को ऐसा एकदम परचम उसके गाड़ देंगे। नहीं नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं, हिदायत देने वाला तो अल्लाह की है ना, बिल्कुल अल्लाह गुमराह भी कर, जिसको चाहता है, जिस ये बात करेंगे तो मैं वापस जाऊंगा। नहीं मैंने तो पहले करना, मैं पहले, अच्छा ये टॉपिक नहीं है, चलिए इस पे बाद में बात कर लेंगे, इस पे बाद में बात कर लेंगे, मैंने जो सवाल किया उस पे तो जवाब दे दीजिए आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। तुम सवाल कर रहे तो उसके गहराई में जाना पड़ेगा, पूरी गहराई में जाएंगे आप, गहराई में लेके जाइए। तो सवाल क्यों कर रहे हैं अभी, ये सवाल है मेरा।
क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत है या नहीं है हमें जानना है। तो तुम्हारे को मालूम नहीं है? मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से इजाजत है, क्या आप मेरे से अग्री करते हैं? इजाजत है आपको मालूम? जी, आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं मेरी बात से कि उमर ने नहीं, अगर एक बच्ची गोद सुनो, ली और वो बड़ी होने के बाद अगर उमर साहब उससे शादी करना चाहते हैं तो इस्लाम में इसकी पूरी इजाजत है? आप अच्छा मेरे से अग्री जो करते हैं या बच्ची, डिसअग्री करते हैं? सुनो ना, अभी जो बच्ची जो गोद मिली, आप बोल रहे गोद मिली वो बच्ची है, हाँ तो हाँ वो बच्ची का निकाह जो होगा वो बड़ी होने के बाद होगा, जी है जी ना? बिल्कुल हाँ हाँ, तो जो बच्ची थी तो नबुवत से पहली थी या नबुवत की बात थी, ये सवाल था मेरा। अरे मैं आज की बात कर रहा भाई, उमर भाई तुम क्या तुम्हारा क्या दिमागी अपंग इतने बढ़ गए कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या आप जानबूझ के भागने की कोशिश कर रहे हैं सवाल से? हाँ नहीं, भागने की कोशिश नहीं करूँ ना, भागना हो तो तुम आता भी नहीं था ना। अच्छा, दोनों जवाब दे दीजिए, नबुवत के पहले का भी जवाब दे दीजिए और नबुवत के बाद का भी जवाब दे दीजिए प्लीज। लेकिन जवाब दे, देख, 10 मिनट हो गया आपने जवाब नहीं दिया। नबुवत से पहले तो अहकामात नहीं थे, मालूम है ना ये? ओके, तो नबुवत के बाद क्या है काम आया? तो नबुवत के बाद की जो शरीयत मुकम्मल हुई है 63 साल की उम्र में, ओके हाँ, है तो ना? बात क्या है समझ में आ काम रही है है ना? फिर तो उसके अंदर पूरी शरीयत है ना। बिल्कुल, और उस पूरी शरीयत में इस मामले का क्या जवाब है? आप तो दस मैं पंद्रह वही मिनट हो गया आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, हलाल तो है वही तो हराम है? मैं हलाल हराम का नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं एक बात हाँ बोलना चाह रहा हूँ कि जी जी गोली गोली बच्चे से निकाह करना जायज है कि नहीं, आपका सवाल है, ठीक जी है? क्या है, जायज है नहीं है? तो मेरे को एक बात का जवाब दो। आप तो बहुत मतलब अरे के दे ना भाई, कब से वेट कर रहा हूं यार, मैं खामोश हूं कि मैं कुछ ना बोलूं। भाई दे कुछ तो आपको दे। पता है, आपको पता है उमर पठान साहब, अमित साहब, वो जो हमारे पास दो देवबंदी मौलाना आए थे वो जरा शॉर्ट फटाफट, साजिद अगर देखो निकलता है तो फटाफट निकालो, अगर ये जवाब नहीं दे रहे तो इनके उलमा से ही हम इनको सुनवा देते हैं ताकि इनको थोड़ी सी गैरत इनके अंदर आए और उसके बाद ये जवाब दे दे, क्योंकि 15 मिनट हो गया है, मैं हर तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन भाई जल्दी जवाब देना ही नहीं चाहते क्योंकि इनको भी शर्म आ रही है। मसला क्या था ना कि मोमिन एक अतड़ी में खाता है इंटेस्टाइन में, हाँ या भाई जिस हिसाब से जामुन रखे थे, ये 4-5 अतड़ी में तो खाए होंगे जरूर, अभी तो इसलिए वो बातें निकल नहीं पा रही देखो हैं। आपको वो नहीं, असल में मसला ये है साजिद, और ये उमर भाई भी मेरे से अग्री करेंगे कि ये असल में इनको भी शर्म आ रही है कि मैं जवाब दे दूंगा, मैं नहीं, लाइव हूं, अब तक तो हमने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया, ऐसे मामले कभी आवाम के सामने रखे नहीं, तो आप जवाब दे दूंगा तो हम पे लोग जो है वो लानत भेजेंगे और हमको जो है वो कहेंगे कि कितने जलील लोग हैं, इनकी सोच देखो, ये असल में शर्मा रहे हैं, ये डर रहे हैं, मसला ये है, ना वरना अभी तक ये जवाब दे ठीक देते। ठीक है, एक बात का जवाब देके मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं क्यों जा रहे हैं आप, इस सवाल का जवाब नहीं देना ना। सुनो ना, सुनो ना, पहले हाँ भाई जी देखो, हमें मुसलमान, ठीक आप है? मुसलमान हैं हमें मालूम है। हाँ और हमारा जो यकीदा है हाँ वो है गैब की बातों पर ईमान, नहीं ये गैप है वाली ना? बात नहीं है लेकिन, नहीं, बात तो सुनो ना पूरी। हाँ अच्छा, गैप की बातों पे आपका ईमान है, ठीक है फिर। हाँ, अल्लाह पर ईमान है और मरने हाँ पर है, दोबारा जिंदा उठाए जाने पर है, फरिश्तों पर है, तमाम नदियों पर, आसमानी किताबों पर है ना? हाँ अगर कोई मुसलमान अगर इसके अंदर शक व शुबा करेगा कुरान और शरीयत के अंदर और हदीस के अंदर कि ये हो हाँ सकता क्या, ऐसा क्यों करा, हाँ बातें नहीं समझ में, ऐसा क्यों करा, ऐसा उन्होंने क्यों करे, सहाबा ने तो हाँ क्यों करे, माज अल्लाह नबी ने माज अल्लाह ऐसा क्यों करे, नहीं करना चाहिए था, आज का अच्छा नहीं जनरेशन करना क्या चाहिए। है, सुनो ना, आज का पीरियड क्या चल रहा है। अगर कोई हाँ मुसलमान सोचता है तो उसी वक्त उसके हाँ दिल के अंदर से अल्लाह पाक जो है कि उसको ईमान से निकाल देते हैं। और आखिरी बात ईमान से ये है निकल जाता कि सोचेंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, इसमें जब तक ये आप लोग के सुन लो भाई अल्लाह, लोग। और हाँ जब तक यानी के अल्लाह और उसके मुसलमान रसूल ने किसी जो बात एक कही मिनट है, उमर पठान, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात कही है उसको आंख मूंद कर सिर्फ आपको मानना है, चाहे वो अकल में आए बिल्कुल या ना बिल्कुल आए।
नहीं नहीं बिल्कुल अगर अल्लाह हमारा तो हाँ, यकीन ठीक, अगर रसूलुल्लाह अगर ठीक है, इसमें अगर अगर इसमें कोई शक रसूलुल्लाह शुबा कर रसूलुल्लाह रहा भाई, है तो वो उमर भाई अगर बोलो हाँ शुबा नहीं करना है, शक नहीं करना है, रसूलुल्लाह जो काम किया ठीक है। अगर रसूलुल्लाह अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा के साथ वही संबंध बनाते जो हजरत आयशा से बनाया, वो सही होता या गलत नहीं होता? तो मैं नहीं नहीं मैं ये बात नहीं सुन सकता, बकवास नहीं सुन सकता ठीक है। अगर और एक बात बनाते आखिरी तो बात सही है होता कि या गलत जितने होता? भी सुनो ना जितने भी ये देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि देखो भाई मुख्तसर जिंदगी मुख्तसर दुनिया है, मरना है, कब्र में जाना है, सबको जवाब देना है, तो जन्नत का सौदा मत करो, अपने अकीदे पर अपने ईमान और यकीन के ऊपर मजबूत रहो कायम रहो बस। भाई तू तो इत्तेमाद पर आ अच्छा गया ना, इत्तेमाद पर आ गया। जी साहिल साहब कोई नहीं कोई नहीं, अरे कहाँ चले गए, अभी तो मेरे को सवाल करना बाकी था यार। उमर देखो शर्म, बेचारा इतना शर्मिंदा हो गया उमर के जिस उसके साथ जब वो रबड़ी गुलाब जामुन खा रहा था, कितने तेश में कि आज जो है मुर्तदों का हम जवाब दे देंगे, एक सवाल में ठुस हो गया। मेरे को तो अभी और सवाल करने थे भाई, मैं तो आपको बोलने दे रहा था, मैं तो चाहता हूं कि और बोलो। अब तो वीडियो भी बताना बाकी था जो आप जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आपका जवाब नहीं देना ये इस बात की दलील थी कि आप खुद अपने इस्लाम और अपने रसूलुल्लाह की बातों से शर्मिंदा है। बस मामला ये है कि आप उसको अपने जुबान से अदा करना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं वो गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं आप ये बात करके आप जो इस्लाम से बाहर ना आ जाए, दायरे ईमान से आप बाहर निकल ना जाए, बिल्कुल इसी वजह से आप लोने के सवाल करो ही मत। लेकिन भाई मेरा फिर आपसे ये सवाल था कि जो एक नॉन मोमिन है उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे फिर इस्लाम में आने के लिए, क्योंकि आप तो दिमागी अपंग है, लेकिन जो नॉन मोमिन है या एक्स मुस्लिम है वो तो दिमागी अपंग नहीं है, वो तो चीजों को देखता है, परखता है, उसके बाद वो कोई चीज को सही या गलत मानता है। आप कैसे किसी को, और फिर मैं तो कहता हूं कि आप लोग दावत का काम ही बंद कर दो, क्यों ही लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हो जब आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि मानो तो दूसरों को बुला ही क्यों रहे हो। और फिर अल्लाह ने जो ताना मारा है वो लोग जो ईमान नहीं लाते, उनके बारे में अल्लाह कहता है कि ये कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के दीन पे ही रहेंगे, हम ईमान नहीं लाएंगे, तो उसमें अल्लाह कहता है कि अगर इनके बाप दादा गलत है तो आप भी गलत पे चलोगे, तो ऐसा अल्लाह फिर उनके लिए क्यों कह रहा है? वो अपने बाप दादा के दीन पे तुम टिके हुए हो, तुमको सोचना ही नहीं है, तुमको गलत सही देखना ही नहीं है, तो तुमको क्या हक बनता है, तुम्हारे अल्लाह को क्या हक बनता है, तुम्हारे रसूलुल्लाह को क्या हक बनता है कि वो दूसरों के अकीदे पे फिर सवाल उठाए? तुमको जितने भी वो रील्स बनाने वाले हैं उनके कमेंट्स में जाके देखो, वो बैसाखी का जो सहारा लेते हैं, कृष्णा ब्रह्मा और ये सीता राम, ये आप जो सहारा लेते हो वो किस लिए लेते हो? फिर वहां आपको क्यों फिर गलत और सही का फैसला करना है, जब आप खुद अपने बारे में गलत और सही का फैसला नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा मानना चाहते, तो दूसरों के बारे में आप लोग दिमाग क्यों चलाते हो कि ये गलत है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है? इसी वजह से मैं हमेशा हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने मेरे को कई बार सुना होगा कि मुसलमानों से बड़ा मुनाफिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिपोक्रेट। अपने लिए एक अलग कायदा, दूसरों के लिए एक अलग कायदा, पूरी दुनिया में इनसे बड़ा हिपोक्रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारे उमर साहब ने, अच्छा हुआ, मैं तो इनको अप्रिशिएट करूंगा कि एटलीस्ट आए उन्होंने और इस्लाम की उन्होंने हकीकत बताई। थैंक यू सो मच उमर साहब, थोड़ा देर और अगर आप रुकते ना तो और ज्यादा अच्छा लगता।